स्वागत है आपका नेक्स्ट आई की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में दिल्ली में हुए जी ट्वेंटी समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आई के लिए एक एम पर साइन हुए हैं इस एम को जी ट्वेंटी के सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम के रूप में देखा जा रहा है न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इस कॉरिडोर और इसके इम्पोर्टेंस की चर्चा होगी इस एम में भारत सरकार के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स यू सऊदी अरेबिया फ्रांस जर्मनी इटली और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं उम्मीद की जा रही है कि बाद में कुछ और एशियन कंट्रीज़ इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकती हैं इस कॉरिडोर का मकसद एशिया अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी लाकर मैन्युफैक्चरिंग, फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन्स के लिहाज से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना है इस प्रोजेक्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया होते हुए पूरे अरेबियन पेनिनसुला में रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है जिससे भारत से यूरोप के बीच गुड्स ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा इसके साथ ही ये कॉरिडोर पाइपलाइन के जरिए एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डेटा ट्रांसफ़र में भी मदद करेगा इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट कई नए जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स को भी उभारता है मसलन ये चीन द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई का एक अल्टरनेटिव पेश करता है बीआरआई में भी एशिया यूरोप और अफ्रीका को ट्रेड के लिहाज से कनेक्ट किया गया है लेकिन सच्चाई ये है कि बीआरआई के जरिए चीन डेवलपिंग कंट्रीज को अपने लोन ट्रैप में भी फंसाता जा रहा है पिछले कुछ सालों में यू और सऊदी अरेबिया से भारत के रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं ऐसी सिचुएशन में भारत की कोशिश है कि क्यों न इन रिलेशंस को आगे बढ़ाते हुए पूरे पेनिनसुला में बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जाए ये प्रोजेक्ट इस मिथ को भी तोड़ता है कि भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक एरिया में तो साथ आकर काम कर सकते हैं लेकिन वेस्टर्न एशिया में साथ नहीं आ सकते इससे पहले भारत ने अमेरिका इसराइल और यू के साथ मिलकर आई टू फोरम बनाया है अमेरिका के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अरेबियन पेनिनसुला में पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीस साबित होगा इस प्रोजेक्ट के जरिए अरब और एशिया में यूरोप का ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर की योजना भी बनाई है जिसमें अफ्रीका के अंगोला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया को जोड़ने की योजना है अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर सफल होता है तो भारत को भी अफ्रीका के इस कॉरिडोर से लाभ होगा ये कॉरिडोर वेस्ट से कनेक्टिविटी के मामले में पाकिस्तान को बाईपास कर देता है जो कई मामलों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता रहा है 90 के दशक से भारत पाकिस्तान से होते हुए कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स शुरू करने की पहल कर चुका है लेकिन पाकिस्तान की हट धर्मिता के चलते भारत लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस नहीं बना पाता इस कॉरिडोर से भारत को भी कई तरह के फायदे हैं इसके बन जाने से साउथ ईस्ट एशिया से गल्फ वेस्टर्न एशिया और यूरोप तक ट्रेड काफ़ी आसान हो जाएगा भारत को इसका सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक बेनिफिट भी मिलेगा इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी यह कॉरिडोर भारत को कंपेरेटिवली फास्टर एंड चीपर ट्रांजिट ऑप्शन प्रोवाइड करता है जाहिर है इससे ट्रेड और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा दरअसल ये प्रपोज्ड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पी का ही एक पार्ट होगा पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जी सेवन कंट्रीज़ का एक कोलेबोरेटिव एफर्ट है जी सेवन यूनाइट किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स कैनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है इस पार्टनरशिप का मकसद डेवलपिंग कंट्रीज़ में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए रोड्स पोर्ट्स ब्रिजेस कम्युनिकेशन सेटअप्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है ताकि ग्लोबल ट्रेड को इनहेंस किया जा सके इस पार्टनरशिप का मकसद 2027 तक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जी सेवन कंट्रीज की ओर से 600 बिलियन डॉलर्स का निवेश करना है जी सेवन की ये पार्टनरशिप ब्लू डॉट नेटवर्क बी के स्टैंडर्ड्स और ट्रस्ट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है ये प्रिंसिपल्स हैं रिस्पेक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सॉबरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज लोकल लेबर एंड ह्यूमन राइट्स रूल ऑफ लॉ and sound government practices इन procurement एंड financing ब्लू डॉट नेटवर्क यानी बीडीएन को 2019 में शुरू किया गया था जो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यह पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है बी की सफलता ने टू में जी कंट्रीज को बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के लिए प्रोत्साहित किया हालांकि इसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की आगे चलकर फिर 2022 में इसी को जर्मनी में हुई जी सेवन समिट में द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी पी के नाम से री लॉन्च किया गया पी को भी चीन के बी का काउंटर माना जाता है बी की बात करें तो 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसे शुरू किया था भारत इस बी प्रोजेक्ट का इसलिए विरोध करता है क्योंकि ये भारत के कश्मीर से निकलता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है चाइना के बी प्रोजेक्ट की तुलना में जी सेवन के पी प्रोजेक्ट के सामने कई चैलेंजेस हैं पहली बात तो ये कि पी के पास उतना फंड नहीं है फिर इतने बड़े प्रोजेक्ट को कौन लीड करेगा कंट्रीज के बीच पोलिटिकल कंसेंसस बन पाना भी कम चैलेंजिंग नहीं है साथ ही इसमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है जबकि दूसरी ओर चाइना अपने बीआरआई प्रोजेक्ट से जुड़ी क्रिटिसिजम्स को ठीक करने में जुटा है अल्टीमेटली इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी तेजी से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और चाइना को बीआरआई प्रोजेक्ट में जिन चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है उन फाइनेंशियल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस को ये नया कॉरिडोर इनसे कैसे निपट पाता है तो आज के इस एपिसोड में इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं